ग्लोब, नक्शे का मवासना और इलाकाई सैर। इसके अंदर हमने बहुत सी मालूम हासिल की है। अब उसके आगे हम देखेंगे दो पहली चीजें। दो पहली चीजें किसको कहा जाता है? दो पहलवी चीजें यानी ऐसी चीजें जो दो पहलू रखती है। मिसाल के तौर पर लंबाई और चौड़ाई रखने वाली चीजों को दो पहलवी चीजें कहा जाता है। अब इसकी मिसालों पर अगर हम गौर करेंगे तो आप देख सकते हैं कागज, दफ्ता, ये मेज और जमीन का टुकड़ा। ये जो मिसालें हमने देखी हैं, ये दो पहलवी चीजों की मिसालें हैं और इसका हम आसानी के साथ में रकबा मालूम कर सकते हैं दो पहलवी चीजों का। अब इसके बाद तीन पहलवी चीजें। तीन पहलवी चीजें किसको कहेंगे? तीन पहलवी चीजें यानी ऐसी चीजें जो तीन पहलू रखती हूं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई रखने वाली चीजों को तीन पहलवी चीजें कहा जाता है। अब इसकी मिसालों पर अगर हम गौर करेंगे तो आप देख सकते हैं डस्टर, डब्बा, ये गिलास, लोटा, चांद। ये जो तमाम चीजें हमने देखी हैं, ये चीजें जो है तीन पहलवी चीजें, ये जो है इसका हम आसानी के साथ में हजम मालूम कर सकते हैं। तो बच्चों इसके बाद हम देखेंगे जोग्राफियाई सैर। जोग्राफियाई सैर क्या है? जोग्राफियाई सैर किसे कहते हैं? जोग्राफियाई सैर के जरिए हम किन मालूमात को इकट्ठा कर सकते हैं? तो बच्चों जोग्राफिया मजमून के लिए जोग्राफियाई सैर निहायत अहम तरीके तालीम है। इसके अंदर हम किसी इलाके की सैर कर सकते हैं और किसी इलाके की सैर करने के बाद वहां के जोग्राफियाई माहौल का बारीक बीनी से मुशाहिदा कर सकते हैं। उसी के साथ उस सैर के दौरान हम वहां मौजूद समाजी हालात का जायजा ले सकते हैं और वहां के मुकामी लोगों के साथ बाहमी गुफ्तगू करके अमली तौर पर हम मालूमात इकट्ठा कर सकते हैं। हमें यह अमली तौर पर बाहमी गुफ्तगू करने का मौका जोग्राफियाई सैर के अंदर हासिल होता है। जोग्राफियाई हालात मालूम करने के लिए आप भी अपने उस्ताद के रहनुमाई में जोग्राफियाई सैर का प्लान बना सकते हैं और बनाएं। इसके अंदर आप किन मुकामात की सैर करेंगे? आप जो है कोई डाकघर, किसी बस स्टैंड, साहिल समंदर या सनती मरकज, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, इन मुकामात का इंतखाब करके आप इनकी सैर कर सकते हैं। आप इन मुकामात की सैर करने के बाद अपने मुशाहिदात को एक बयास के अंदर दर्ज करें। इस दौरान उस्ताद की भी मदद हासिल कर सकते हैं आप और इन तमाम मालूमात की बिना पर आप जो है एक सवालनामा तैयार करें।